मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एक प्रोटेक्टेड पर्सन होता है बाय वर्च्यू, और वो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पूरा संज्ञान लेके जेड प्लस सिक्योरिटी कैटेगरी में मुझे रखा है, तो मुझे ये पुलिस की जो सिक्योरिटी का घड़ी जो है लेके ही चलना होता है, चाहे वो इलेक्शन हो या ना हो, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सिक्योरिटी घड़ी भी इसमें आता है। आप अभी करगिल में हैं तो फिर पहले से इलेक्शन का बहुत यहाँ पे माहौल जो है बहुत गर्म है, तो इसके बीच आज आप करगिल में हैं तो इस इलेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए, बीजेपी कितना स्ट्रॉन्ग है करगिल में। मैं सबसे पहले तमाम मीडिया हजरत को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माध्यम से एक बार फिर से लोगों के साथ रूबरू होने का जो मौका मिल रहा है। देखिए, इस कारगिल के जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो 5th इलेक्शन जो चल रहा है, और इलेक्शन आम जिंदगी में यहाँ के जो सूरत बदलने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले अपील करना चाहूँगा कारगिल के आवाम को कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें, और यही इलेक्शन आपको डिसाइड करेगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, देखिए, इस कारगिल काउंसिल इलेक्शन में हमने 17 कैंडिडेट जो है पार्टी के मैंडेट पे, सिंबल पे, हमने ग्राउंड पे उतरा है, और वो 17 में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी तक जो है हमारा कैलकुलेशन जो है 14 हमारे लोग जीत के आने की स्थिति में है। अभी भी हम मेहनत करेंगे, लोगों को हम जाके समझाएंगे पार्टी की ओर से, और अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आपकी क्यों वोट करना चाहिए। 4 नॉमिनेटेड काउंसलर भी आएगा तो हमारा नंबर जो है टोटल 18 तक आराम से पहुंच जाएंगे। बाकी उसके अलावा कारगिल के इस इलेक्शन में हम एक डेवलपमेंट के गारंटी लेके कारगिल में आ रहे हैं। जिस तरह आपने देखा जो कारगिल का देरीना मांग, चाहे वो जोजिला टनल हो, चाहे यहाँ के मोबाइल कनेक्टिविटी हो, चाहे यहाँ के जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो, चाहे यहाँ के हेल्थ सर्विस हो, एजुकेशन सर्विस हो, हर चीज में नरेंद्र मोदी जी के सरकार के आशीर्वाद के साथ यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कोशिश किया है इस बीते हुए सालों में कारगिल को कितना हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन काउंसिल में हमारे पार्टी के अच्छा स्टैंड नहीं होने के कारण से काफी चीज जो है हमें ग्राउंड पे करने पे जो दिक्कत आया, अधूरा रहा, उस चीज को भी हम कारगिल के आवाम को निवेदन करना चाहता हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जिता के जो मोदी सरकार दिल्ली से डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम बना रहा है वो आपके गांव घर तक पहुंचाने के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। सर जिस तरह हाल ही में एनसी के स्पोक पर्सन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि आपने एमसीसी का उल्लंघन किया है, 50 जे कैंडिडेट को आपने गाड़ी में बिठा कर आप खुद वहां पे लेके जा रहे थे, तो उससे आप क्या कहना चाहते? देखिए, ये मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है कारगिल के आवाम से जुड़े, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं इसको कम शब्दों में जवाब देना चाहूँगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एक प्रोटेक्टेड पर्सन होता है बाय वर्च्यू, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पूरा संज्ञान लेके जेड प्लस सिक्योरिटी कैटेगरी में मुझे रखा है, तो मुझे ये पुलिस की जो सिक्योरिटी का घड़ी जो है लेके ही चलना होता है, चाहे वो इलेक्शन हो या ना हो, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सिक्योरिटी गाड़ी भी इसमें आता है। बात हुआ कैंडिडेट को गाड़ी में क्यों बैठाया। हसन पाशा जी तब तक कैंडिडेट नहीं बने थे, फॉर्म नहीं भरे थे वो, हाँ पार्टी का कार्यकर्ता आप कह सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट नहीं बने थे, फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे। जैसे ही फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद मैं अपने रास्ते से अलग गया, हसन पाशा जी अपने रास्ते से घर गया है, ये बात सही है। उसके अलावा भी जब तक स्क्रूटिनी कंप्लीट होने के, विड्रॉल कंप्लीट होने तक कोई कैंडिडेट ऑफिशियली नहीं बनता है, कितने लोग मैदान पे रहते हैं, बाहर आता है तब तक, इसलिए ये कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा भी नहीं है। अगर फिर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका संज्ञान लेंगे, एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इनके जमात को जो है इतना शोर शराबा बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हाँ, जहां जहां हमारे ओर से वायलेशन होता है, मैं आप निवेदन करना चाहूंगा, वो सीधा कंप्लेन कर दीजिए, आप रिटर्न में दे दीजिए विद इविडेंट प्रूफ दे दीजिए, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन उनके संज्ञान लेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। तो एमपी साहब, करगिल में जो है इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, तो ये अलायंस का उन्होंने बार बार यही बोला कि बीजेपी को यहाँ पे आरएसएस का जो एजेंडा है यहाँ पे लाने नहीं देना है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो इनके पास इस कारगिल के चुनाव में कोई खास मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट पे ये लोग बात नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि अभी तक करगिल वालों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 बार काउंसिल में इन्हीं दो पार्टी को बरी बरी करके मौका दिया। कहाँ डेवलपमेंट किया इन्होंने? क्या ये लोग करप्शन फ्री करगिल को कर पाए? नहीं। क्या ये लोग करगिल के आवाम को एक एक खुशहाल जिंदगी दे पाए? नहीं। हर गांव में बिजली, पानी, सड़क ये लोग दे पाए? नहीं दे पाए। इसलिए इनके पास डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए लोगों को ये लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आवाम जो है अभी समझदार है, पढ़े लिखे है। आवाम बेवकूफ बनने वाली चीज है भी नहीं है। ये लोग कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी फलाना है, ये है आइडियोलॉजी, वो है, ये मुसलमान के खिलाफ है। देखिए, एक तो इनके पास इस करगिल के चुनाव में कोई खास मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट पे ये लोग बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक करगिल वालों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 बार काउंसिल में इन्हीं दो पार्टी को बरी बरी करके मौका दिया। कहाँ डेवलपमेंट किया इन्होंने? क्या ये लोग करप्शन फ्री करगिल को कर पाए? नहीं। क्या ये लोग करगिल के आवाम को एक एक खुशहाल जिंदगी दे पाए? नहीं। हर गांव में बिजली, पानी, सड़क ये लोग दे पाए? नहीं दे पाए। इसलिए इनके पास डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए लोगों को ये लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आवाम जो है अभी समझदार है, पढ़े लिखे है। आवाम बेवकूफ बनने वाली चीज है भी नहीं है। ये लोग कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी फलाना है, ये है आइडियोलॉजी, वो है, ये मुसलमान के खिलाफ है, कुछ भी बोलेंगे। मैं सीधा सवाल पूछता हूं इनको, तू इधर उधर के बात ना कर, बता करगिल को किसने लूटा अभी तक? बता करगिल को किसने लूटा? कौन आपके काउंसलर थे? कौन सीसी थे? कौन एमएलए थे आपके? कौन एमपी थे? कौन आपके मिनिस्टर थे? कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के थे क्या? जब से मोदी जी की सरकार आए, हम आए, जोजिला टनल बना, जल जीवन मिशन गांव गांव पहुंच रहा है, मोबाइल टावर गांव गांव पहुंच रहा है, सड़क पीएमजीएसवाई, सीआरएफ, कारगिल की हिस्ट्री में नहीं हुआ वो सारा कारगिल में हम पहुंचा रहा है। मुफ्त के राशन कोविड जब से शुरू हुआ तब से दे रहा है, वैक्सीन सबको मुफ्त दे रहा है, सारे जितने भी स्कूल है हमारा सीबीएसई के साथ एफिलिएट हो चुका है, क्लास 6 से लेकर 12 तक हमने जो है टेबलेट बंद कर दिया है। ऐसे अगर मैं गिनते जाऊं आपको, मैं 2-3 दिन गिन सकता हूं। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर इस काउंसिल इलेक्शन में आता है तो हम डेवलपमेंट की गारंटी लेके आता है। ये दो जमात एक होके जो कॉलिशन ये लोग बता रहे हैं, ये करगिल में करप्शन की गारंटी लेके आ रहा है। हम चाहते हैं करप्शन को बाहर रहे, हम चाहते हैं करगिल से जो है अनडेवलपमेंट को बाहर रखे, हम चाहते हैं करगिल को बैकवर्ड से बाहर रखे, करगिल को डेवलप करके करगिल को आगे लेके जाना है और आम जिंदगी में एक सुधार लाना है। बात कोलिशन का मैं बताना चाहता हूं, कोलिशन का एक उसूल होता है, कोलिशन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, कोलिशन का एक बेसिक लाइन होता है। ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में पहला कोलिशन है जिनका कोई उसूल ही नहीं है, कोई उसूल नहीं है। अब कोई भी मुद्दा छेड़िए, इन्हीं के कोई बड़े नेता इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं कोलिशन से बाहर हूं, मैं ना एनसी का हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना किसी जमात का हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, जीतने के बाद किसी के साथ भी जा सकता हूं। इन्हीं के लोग, कल देखा आपने बरसू से नेशनल पार्टी का कांग्रेस का मैंडेट सरेंडर हो रहा है, इनको पता है भारतीय जनता पार्टी आ रहा है, इनका जो है जमाना जब्त होने वाला है, इज्जत बचाने के लिए क्या करना चाहिए? राहुल गांधी जी से पूछा इन्होंने, राहुल गांधी जी कारगिल में आके एक डिसीजन दे के गया, एक डिसीजन, केवल एक डिसीजन, वो था बरसू के मैंडेट सरेंडर करके ग्राउंड छोड़ के भाग जाओ भाई। उसके अलावा इनके पास कोई उसूल नहीं है। आप देखो, इन्होंने माहे मोहर्रम से पहले ये कोलिशन का अनाउंस किया था, अभी माहे मोहर्रम खत्म नहीं हुआ है, इस माहे मोहर्रम में भी ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग जो है उसूल बेउसूल के काम करते हैं। तो आप बताइए, 10 तारीख के बाद अगर इनका मेजोरिटी आता है तो 5 साल ये लोग कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे? हमारे करगिल के जो यूथ है, जो राहुल गांधी के साथ युवा यूथ के साथ इंटरवेंशन था, वहाँ पे यूथ ने बोला कि हजारों जो मेमोरेंडम जो है एमपी लद्दाख के पास हमारा पड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, लेकिन हमारे लद्दाख के अंदर खासकर करगिल में जो है बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, तो इससे आप लोग क्या, ये भी एक इस इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है सर। देखिए, राहुल गांधी जी का जो करगिल आए, उन्होंने जो यहाँ पे एक छोटा सा जलसा किया, जिसमें यहाँ कांग्रेस पार्टी ने पूरा कोशिश किया उनके वर्करों को पब्लिक के बीच में फिट करके, उनको क्वेश्चन लिख के दिया और वो पढ़वाया। उसमें मैंने देखा जो आप कह रहा है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है जमयंग सिंह नमग्याल जी, जेटीएन कहते हैं, वो पार्लियामेंट में बिल्कुल मम है, चुप बैठते हैं, यही लफ्ज यूज किया। केवल कारगिल के लिए नहीं, केवल लद्दाख के लिए, पूरे देश दुनिया जानते हैं लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
जमयांग सिरिंग नमग्याल जो है पार्लियामेंट में कितना डंका मचाते हैं, और कारगिल के अवाम जानते हैं, यहाँ के हुंदरमान ब्रोक से लेके यहाँ के जो है ईचू थेला पंगबर से लेके स्तपा उम्बा से लेके छोटे छोटे गांव जो बेगवट है वो सारा एक एक नाम लेके पार्लियामेंट में पुकारते हैं। यहाँ के अवाम जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के बारे में पार्लियामेंट में कितनी बार आवाज उठा। मैं मीडिया हजरत से भी निवेदन करना चाहता हूँ, लोकसभा के वेबसाइट से मिलेगा नहीं तो मैं आप सबको भेजूंगा वो क्लिप्स, आप चलाइए कितना ये लोग झूठ बोलते हैं। बात रहा कारगिल में अनएम्प्लॉयमेंट का, काउंसिल के पास एक जिम्मेवारी होते हैं डिस्ट्रिक्ट एसएसआरबी के माध्यम से वैकेंसी अनाउंस करके वैकेंसी को लोगों को भरवाए। आपके काउंसिल यहां कहां सो के बैठे थे, ले काउंसिल ने उस पर जो है नोटिफिकेशन करके इंटरव्यू सॉरी रिटर्न टेस्ट करके कल उसका जो है अपॉइंटमेंट लेटर भी अभी देना शुरू कर दिया है, कारगिल के काउंसिल क्यों नहीं कर पा रहा है? ये तो कारगिल के काउंसिल को पूछना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीईसी साहब को पूछना चाहिए। ये यहाँ पे आज ये लोग जो है ये जमात यहाँ पे कोलिशन में बैठे हैं, ये तो आसमान में थूक रहा है जो आपने चेहरे पे गिरिस्टिंग एयरपोर्ट के साथ साथ सरू का थंग का भी मुझे दिखाना था, ये सुरू वैली में भी दिखाना था, द्रास में भी दिखाना था। यहाँ के काउंसिल ने ऑब्जेक्शन किया, मैं आज मीडिया में रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ, यहाँ के काउंसिल ने ऑब्जेक्शन किया डीजीसीए की टीम के साथ अगर मेंबर पार्लियामेंट होगा तो हम ऑफिस से बाहर नहीं आएंगे। ये इन्होंने मैंने पहले भी मीडिया में बताया था आप लोगों को, मैंने बोला ठीक है मुझे कोई पॉलिटिकल कैंपेन का नहीं पड़े, मुझे कारगिल में जहाज लाना है, एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना है, इसको टेक्निकली फिट करना है, मैं जंस्कार से वापस चला गया। चलो भाई आप लोग आ गया हो, इनको चाय पिलाओ, इनको बताओ कि जमीन आप कहां से अलॉटमेंट दे रहा है। इनके दिमाग में वो वहम बैठे थे पता नहीं एमपी साहब यहाँ आके सरप्राइज देंगे, हम सबका जो है क्रेडिट ले जाएंगे, इनको सिर्फ क्रेडिट के पड़े थे, ये लोग घर से ऑफिस से बाहर नहीं निकले। उसके बाद जब मीडिया में हमारे कैप्टन हुसैन साहब मिंजी के उन्होंने सच्चाई को सामने लाया तो यहाँ के काउंसिल ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ले एयरपोर्ट से जो छोटे लेवल के स्टाफ है, डायरेक्टर एयरपोर्ट भी नहीं उसके नीचे का स्टाफ को यहाँ आके ऑफिस में मीटिंग करके प्रेस रिलीज दे रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कारगिल में जहाज उतरना हमारा मकसद है, हम करना चाहते हैं। मुसीबत ये आ रहा है यहाँ पे आगे पहाड़ है पीछे खाई है, एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, ये टेक्निकल है, इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी हमने ले लिया है। हम चाहते हैं यहाँ पे एटीआर टाइप का छोटा फ्लाइट आए, स्पाइस जेट को टेंडर कराया, स्पाइस जेट ने जो है उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है तो उन्होंने सरेंडर किया, अभी भी हम उस पे लगे हुए, उस काम पे लगे हुए हैं। हमारा पूरा कोशिश है ये एमपी इलेक्शन से पहले जो है हम जहाज उतारने का 100% कोशिश करेंगे, और ये कर सकता है तो मोदी सरकार ही कर सकते हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकते हैं, ना राहुल गांधी कर सकते।